टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के टीएमसी हॉस्पिटल पर। दरअसल आपको बता दें कि आज यहां पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने यहां पर विजिट किया था। दरअसल जो है यहां पर वैक्सीनेशन इस हॉस्पिटल में शुरू किया गया है। आपको बता दें 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया, और साथ ही जो 60 साल के सीनियर सिटीजन हैं उनका भी वैक्सीनेशन यहाँ पर आज से शुरू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जिस तरह से इस टीएमसी हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं कि आखिर ये टीएमसी हॉस्पिटल शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको बता दें कि आज से जो है इस टीएमसी हॉस्पिटल में जो है इससे शुरुआत की गई है और यहाँ पर वैक्सीनेशन से जो है इसकी शुरुआत की गई है। इस मौके पर यहाँ पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान और एनसीपी पार्टी के अन्य तमाम कार्यकर्ता और नगर सेवक यहाँ पर मौजूद थे। इस हॉस्पिटल को लेकर भी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने जो जानकारी दी है वो भी हम सुनाएंगे। और आपको बता दें कि जब यहाँ पर वैक्सीनेशन की आज ओपनिंग की गई, खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इसका रिबन काट के ओपनिंग किया, और उसके बाद फिर जो स्कूल के बच्चे टीएमसी स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए थे उन्हें जो है यहाँ पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के मौजूदगी में जो है वैक्सीनेशन दिया गया। आपको बता दें इस पूरे हॉस्पिटल में जो है विजिट करने के बाद जो है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है सुनिए। इसकी विशेष बात यह है कि वैक्सीनेशन का एक बड़ा कैंप यहाँ पे लगाया गया है और ये कंटिन्यूस यहाँ पे रहेगा। आप हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुंब्रा में इतना खूबसूरत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। यस, अभी हर अच्छी चीज़ को देखते तो लगती है। अभी फिर 10 डायलिसिस के बेड है वो शुरू किए गए हैं, मैटरनिटी होम ये प्रसूति गृह वो शुरू किया गया है, ओपीडी गायनोकोलॉजी शुरू किया गया है, एक्सरे शुरू किया गया है, हेल्थ सेंटर शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में और बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल मुंबई के काम है। सर, ये सारी सुविधाएं जो आज आपने अभी गिनाई हैं ये आज से यहाँ कार्यरत हो चुकी है शुरू जी और कंटिन्यूस रहेंगी सर? ये अभी हॉस्पिटल एक हफ्ते में एक दिन नहीं खुलता है। सर, आज स्कूली बच्चों के वैक्सीनेशन का कुछ विशेष कार्यक्रम है, क्या जानकारी देंगे सर उस पर? उसमें जानकारी देने से कुछ नहीं है। नहीं, मसलन कितने बच्चों का टारगेट है? टारगेट मुंब्रा है। हाँ, मुंब्रा में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। और मैं ये बात बता देता हूँ, ये जो तीसरी लहर आई है उसमें जो भी सीरियस पेशेंट है उनकी दुनिया भर से मालूमात जब ली गई तो ये पता चला है कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था। जो भी दो वैक्सीनेशन लिए हुए मरीज है उनको सिर्फ सर्दी खांसी हुई, चार दिन के बाद वो ठीक होके चले गए। वैक्सीनेशन इस बीमारी के लिए अहम उपाय है, ये मुंब्रा के नज़र में मैं लाना चाहता हूँ और बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन 24 घंटा यहाँ शुरू है, आप आके वैक्सीनेशन करवा लीजिए। आपकी जान आपके बच्चों के लिए, आपके बूढ़ों के लिए, आपके बाप के लिए, आपके माँ के लिए, सबके लिए बहुत अहम है।